ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रहीम ने आपको परेशान तो नहीं किया जोधा बेगम? बिल्कुल नहीं सलीमा बेगम, ये तो हमारे साथ अपने खिलौने बांटने को भी तैयार हो गए। अच्छा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चलें। जी, वैसे भी रहीम को इतनी देर संभाल कर थक गई होंगी आप। इन्हें इतनी देर संभालने के लिए शुक्रिया। जी, जोधा, क्या हुआ मोती? जोधा खेबर की जगह फिर से आ रही है, कदाचित उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या फिर से? हाँ, कहाँ जा रही हो जोधा? कुछ तो करना होगा ना मोती, शहंशाह के आदेश के उपरांत भी उन्हें पीड़ा दी जा रही है, हमें जाना होगा। हम बहुत खुश हैं अतकासा, ये रिश्ता मुगल सल्तनत की ताकत और मजबूती बनेगा। बेशक हुजूर, तारीख में आपका ये कदम दूर अंदेशी का कदम माना जाएगा। आपके इस कदम की मिसालें दी जाएंगी। अब जरा रुके हैं कैसा, हम अभी आते हैं। क्या बात है, हम नहीं जानते थे कि रियाज भी इतना सुरीला होता है। हमें उम्मीद है कि आपका रियाज उमदा चल रहा है। अब तैयार रहेगा तानसेन साहब, बहुत जल्द इस महल में मौसीकी की महफिल सजने वाली है। ये महल एक और अजीमो शान निकाह का गवाह बनने वाला है। मोहतरमा, हमें उम्मीद है कि आप खुद को इस महल में महफूज महसूस कर रही। आपका करम है हुजूर। करम तो अल्लाह ताला का है आप पर, जिन्होंने आपको इतनी खूबसूरत आवाज से नवाजा है, और ऊपर से आपको तानसेन साहब की शागिर्दगी मिल रही है। हुजूर, खैर आप अपना रियाज जारी रखें, हम तो बस यूं ही आ गए थे। आदाब। धन्यवाद शहंशाह। आदाब। एक काम करो, टोडरमल साहब के पास जाओ और हिसाब किताब में उनकी मदद करो। अंकल साहब। जी हुजूर। ये शेख अमानुल्लाह खान कामकाज में कैसा है? कामकाज तो ठीक है हुजूर, मगर सुनने में आया है कि बहुत गुस्से वाला है। हरम में भी खबर है कि ये अक्सर अपनी बीवी अतीफा पर हाथ उठा लेता है। क्या? लेकिन एक मर्द को इजाजत नहीं है कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाए। ये मियां बीवी का आपसी जाती मामला है। जब तक अतीफा खुद मदद नहीं मांगती या गुहार नहीं करती, किसी का भी इसमें बीच में बोलना वाजिब नहीं है। जो भी हो उदकासा, अगर एक मजलूम शिकायत नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर जुल्म होता हुआ देखें। आप इस पर नजर रखवाएं, ये जब भी अपनी बीवी पर हाथ उठाए उस बात की खबर हमें फौरन मिलनी चाहिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। नहीं हमारे साथ। बोल, बगावत करेगा? रुको! तुमने इन्हें मारने का साहस कैसे किया? बेगम साहिबा, दरअसल वो, जब शहंशाह ने इन्हें दंड देने के लिए मना किया है तो तुमने इन्हें मारा क्यों? क्यों? यदि दोबारा तुमने ऐसी गलती की
तो हम शहंशाह से कहकर तुम्हें दंड दिलवाएंगे, समझे? गुस्ताखी माफ। शहंशाह, तक लिया। अगर हम चाहते तो इस मामले के बारे में आपके हुजूर में आपसे मिलकर आपसे बात कर सकते थे, लेकिन शायद हम इतना सब्र नहीं कि हम उस वक्त तक इंतजार कर सके। हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि आप ये गलतियां क्यों दोहराती हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपके कोख में मुगल सल्तनत का वारिस पल रहा है, उसके बावजूद आप इस दरिंदे से मिलने क्यों आई? आप जानते हैं हमें ये गवारा नहीं, आप जानती हैं कि हमने आपको मना किया है कि आप कैदखाने में नहीं आ सकती, तो उसके बावजूद आप हमारे हुक्म की नाफरमानी क्यों करती हैं? शहंशाह, यदि आपके सैनिक आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते तो कदाचित हमें यहाँ पर आना नहीं पड़ता, परंतु इन्हें फिर से पीड़ा दी जा रही है। क्या हुआ अगर इसे तकलीफ हो रही है जोधा बेगम? तो क्या हुआ अगर इसे इसके खेत की सजा मिल रही है? इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियां करें जोधा बेगम। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मोहब्बत का बेजा फायदा उठाएं, अपनी मनमानी करें। अगर कोई बात थी भी तो आप हमसे आकर मिलती, आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? शायद हमारी मोहब्बत की वजह से आप ये बात भूल गई हैं कि एक शौहर अपनी बीवी से कैसे पेश आता है, उसकी कितनी बंदिशों में रखता है। जोधा बेगम, हमारी मोहब्बत का, हमने जो आपको आजादी दी है, आप उसका इस तरह से फायदा उठाएंगी? परंतु शहंशाह। बस जोधा बेगम, अब हम और बात नहीं करना चाहते हैं, और सफाइयां नहीं सुनना चाहते हैं, और बहस नहीं करना चाहते हैं। उस बीवी की कोई नहीं सुनता जो अपने शौहर की उम्मीदों पर खरा ना उतर सके। खैर, यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहते, आइए हमारे साथ। इतनी सी बात का पतंगड़ बनाने की क्या आवश्यकता थी शहंशाह को? यदि वो शहंशाह है तो हम भी तो बेगम हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं। जब देखो क्रोधित हो जाते हैं, हम कोई दासी हैं? सबके बीच तो हम इसे भूल ही गए। प्रणाम जोधा बेगम, आप हमें नहीं जानती, परंतु हमें आप पर विश्वास है, इसीलिए ये पत्र आपको लिखा है। हम चंपावत के राजा अरिमर्दान सिंह की पुत्री हैं। आपके पति शहंशाह जलालुद्दीन की इच्छा है कि हमारा विवाह उनके मंत्री अदगा खान जी के पुत्र अजीज कोका से कर दिया जाए। हमारे पिता इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की परिस्थिति में नहीं है, परंतु हमें एक विधर्मी से विवाह करना अस्वीकार है। आप एक हिंदू राजकुमारी हैं, आशा है हमारी भावनाओं को समझेंगी। आपने भले ही समझौता करके एक मुगल से विवाह किया हो, परंतु हमें अपनी ये नियति स्वीकार नहीं। एक मुगल के गले में वरमाला डालने की अपेक्षा हम मृत्यु का वरण करना अधिक श्रेष्ठ कर समझेंगे। क्या एक हिंदू बेगम हमारी सहायता कर पाएंगी? जो स्त्री खिलौने वाली के भेस में आपसे मिली, वो हमारी सखी है। आपका उत्तर जानने कल वो फिर आएंगी। धन्यवाद। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मोहब्बत का बेजा फायदा उठाएं, अपनी मनमानी करें। आखिर हम बदल क्यों गए रुकी? आखिर हमारे सीने में दिल क्यों जाग गया है? जलाल, हुआ क्या है, हमें सुकून से बताइए। आप जोधा बेगम फिर से कैद खाने गए, हमारे एतराज के बावजूद आज फिर से उस दरिंदे से मिलने गए।
एक शौर निकलाते हमने उन्हें वो सारी आजादी दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये बातें बर्दाश्त करेंगे। जलाल आप आइए यहाँ, आराम से बैठिए जलाल, खुद को संभालिए। ऐसा क्यों क्या मान रखा जलाल, सब भूल जाइए, खुद पर काबू पाइए जलाल। ये लीजिए, इसे पी लीजिए, आपको सुकून की नींद मिलेगी। क्या है? फिक्र मत कीजिए, इसमें कोई नशा नहीं है, इससे सिर्फ आपको सुकून की नींद मिलेगी। पीजिए। लाइए। क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है मतलब? मतलब ये तुम्हारे और शहंशाह के बीच चल क्या रहा है? कुछ नहीं। झूठ! मैंने खुद देखा है, शहंशाह की नजरों में तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हें घूरे जा रहे थे वो। आतिफा, सच सच बताओ, बात क्या है? कुछ नहीं, बस इज्जत है उनकी नजरों में मेरे लिए, जो हर मर्द की नजर में एक औरत के लिए होनी चाहिए। खामोश! अभी की अभी अपना सामान बांधो, हम यहां से जा रहे हैं इसी वक्त। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं यहां बेहद महफूज हूं। महफूज? किसे? आपसे, आपके जुल्मों से। सालों से आपकी बंदिशों में रही, एक बांधी बनाकर रखा आपने मुझे, आज जाकर जिंदगी में सुकून मिला है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहना है मुझे। बदजात, जुबान लड़ाती है। शहंशाह का एक बाल बुलंद हो। शहंशाह सो रहे हैं। एक खास पैगाम है बेगम साहिबा। क्या हो, क्या बात है? हुजूर, एक खबरी आया है। क्या? शहंशाह वहाँ खुद गए हैं? शहंशाह को वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? हमें फौरन वहाँ जाना होगा। क्या हुआ तुम्हें? बैठो यहाँ, बैठो यहाँ, आओ बैठो। क्या हुआ? रहने दीजिए शहंशाह, शायद यही हमारी किस्मत है। नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी किस्मत के सहारे नहीं छोड़ सकते, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम फिक्र मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। या खुदा, ये क्या कर रहे हैं शहंशाह? ये हरकत बहुत महंगी पड़ सकती है उन्हें, उनका ताज छिन सकता है। अतीफा एक शादीशुदा औरत है, उसे इस तरह छूना गुनाह अजीम है। या मेरे मौला, शहंशाह के दिलो दिमाग को उनसे बगावत मत करने दे। अपना हाथ दिखाइए हमें। आदाब हुजूर। अदगर साहब, क्या आप जानते हैं कि इनके शौहर ने इनके साथ? हुजूर, हमें खबर हो चुकी है, इस मामले को हम संभाल लेंगे। आप आराम फरमाएं। आदाब शहंशाह। हुजूर, हम कह रहे थे कि गासाब, हम सोच रहे थे कि पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी हुआ, उसके बाद थोड़ी सी दिलजोई कर ली जाए। देखिए, मौसम कितना अच्छा है, जंगल में जानवर भी होंगे, हमें कर्सा हो गया है, तो क्यों ना शिकार पर जाया जाए। बेशक हुजूर, आप हुक्म करें, किन दरबारियों और बेगमात को शिकार के लिए बुलावा भेजना है? अब तो जानते ही। लेकिन जोधा बेगम की सेहत को देखते हुए हमारी नजर में उनका शिकार पे जाना ठीक नहीं होगा हुजूर। बाकी आप हुक्म करें, किन किन को पैगाम भिजवाना है? अदगा साहब, हम सोच रहे थे कि इस बार हम बिना बेगमात के ही जाएं।
हमारे साथ चंद कुछ खास दरबारी और तानसेन साहब और उनके शागिर्द भी, उनके सभी शागिर्द। जी हुजूर, शहंशाह अतीफा को साथ ले जाना चाहते हैं? हाँ हुजूर, सुना तो हमने भी है। अतका साहब फरमा रहे थे कि शहंशाह शिकार पर इस बार जोधा बेगम को साथ लेकर नहीं जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप साथ में जा रही हैं। वैसे होशियार, खबर तो तुम बहुत अच्छी लाए हो। कई महीनों से शहंशाह जब भी शिकार पर जाते हैं जोधा बेगम के साथ जाते हैं। हमने बहुत कोशिश की कि वो हमें साथ ले जाए, लेकिन वो माने ही नहीं। बाकी बेगमात कह रही थी कि शिकार तो दिन में होता है, फिर शहंशाह रात में दिलजोई कैसे करेंगे? होशियार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात को शहंशाह अपनी दिलजोई कैसे करेंगे। हमारी दिलजोई तो इसी में है कि जोधा बेगम उनके साथ नहीं जा रही, और इतनी बड़ी खबर हम जोधा बेगम को ना दें, ये तो नाइंसाफी होगी ना। आदाब बेगम साहिबा, रुकैया बेगम आपसे मुलाकात करने आई हैं। अरे तो वो बाहर क्यों खड़ी है, उन्हें अंदर भेजो। प्रणाम रुकैया बेगम। आदाब जोधा बेगम। स्वागत है आपका, आइए बैठिए। नहीं जोधा बेगम, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ ये जानने आए हैं कि आपकी तबीयत नासाज तो नहीं। हमारा स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है, क्यों? अल्लाह का शुक्र है, वो तो हमने ये सुना कि शहंशाह शिकार पे जा रहे हैं आपके बिना, तो हम घबरा गए, हमें लगा कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, तो बस आपका हालचाल पूछने आ गए। शहंशाह खेत पर जा रहे हैं? हाँ, अब जोधा बेगम ये मत कहिएगा कि आपको इस बारे में कोई खबर नहीं थी, या शहंशाह ने आपको इस बारे में बताया नहीं। जोधा बेगम, आपसे एक बात पूछे, आपके और शहंशाह के बीच सब ठीक तो है ना? हमारा मतलब है कि कोई झगड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रुकैया बेगम। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। जी प्रणाम, खुदा हाफिज़। नहीं नहीं, हमें स्वयं शहंशाह से जाकर बात करनी चाहिए। अब हम केवल पति पत्नी नहीं, माता पिता भी बनने वाले हैं। इसे बात बात पर शहंशाह से रुष्ट होना ठीक नहीं है। फिर से अतीफा के शौहर ने उस पर हाथ उठाया, और वो हमें किस्मत का हवाला दे रही। वो सहन कर सकते हैं, लेकिन हम सहन नहीं कर सकते कि एक मर्द इस तरह औरत पर जुल्म करे। मानते हैं कि कल हमने आपसे क्षमा नहीं मांगी, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप हमसे ऐसे रुष्ट हो जाएं। किसने कहा आपसे हम आपसे नाराज हैं? ना, उस वक्त जरूर हमें कोफ्ता आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे नाराज हैं। यदि ऐसा है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप आखेट पर जा रहे हैं, वो भी हमें लिए बिना? हम तो यही समझेंगे ना कि आप अभी तक हमसे क्रुद्ध हैं। दरअसल बात यह है जोधा बेगम की इसी हालत में आपको शिकार पर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम अकेले जा रहे हैं, और फिर दो दिन में वापस लौट ही आएंगे। बात दिनों की नहीं है शहंशाह, बात साथ की है। आप हमें अपने साथ ले क्यों नहीं जाना चाहते हैं? गुस्सा नहीं खैबर, जब्त करो अपने गुस्से को। मैं यहाँ कतई तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि तुमसे वादा करने आया हूं। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हें जोधा।
तुम उसे पसंद करते हो ना, हाँ? और मेरी समझ का ताल्लुक ये कहता है कि उसे भी तुम पसंद हो। और ये बात मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं कि सबके एतराज के बावजूद वो तुमसे मिलने आई खैबर। हाँ खैबर, तुमसे मिलने आई वो, लेकिन अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है। खैबर नहीं, नहीं, नहीं खैबर नहीं, अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी खैबर। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें उस तक पहुंचाने का जरिया बनूंगा। हुर्राओ, हाँ खैबर, और हुर्राओ, हाँ खैबर, हाँ, ताकि तुम्हारे अंदर का जानवर जिंदा रहे और तुम्हारी इस गुर्राहट के पीछे मेरी आवाज दफन हो जाए। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये देखो खैबर, ये है वो नक्शा, गौर से देखो इसे। जोधा तक पहुंचने का नक्शा है ये। हाँ, और ये है वो हथियार।